हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ है? पहले ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो मोहम्मद हसन है, दूसरे में मसूद हुसैन खां है, तीसरे में इब्राहिम यूसुफ है और चौथे ऑप्शन में मसूद हसन रिजवी अदीब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मसूद हसन रिजवी अदीब। एक किताब का और आप बताइएगा, इसके मुसन्निफ कौन है? किताब है मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? और इसी के साथ साथ में पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन खां। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा महमूद शीरानी। नाम नोट कर लीजिएगा, हाफिज महमूद शीरानी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। नॉवलों का एक जुमरा है, अफसाना है, ड्रामा है, इंशाइया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी आपको निशानदेही करनी है। तो नोट कर लीजिएगा आप सब, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है, ये करेक्ट आपका हो जाएगा, यानी दूसरा जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ तीसरा जो जुमरा है ये आपका करेक्ट है। यानी फुटपाथ के शहजादे ये ड्रामा है, असीर हिर्स भी ड्रामा है, देख रहे हैं नैन ये भी ड्रामा है। तो चलिए आप सब ये मुझे बता दीजिए, फुटपाथ के शहजादे किसका ड्रामा है, असीरे हिर्स किसका ड्रामा है और इसी के साथ साथ में देख रहे हैं नैन ये किसका ड्रामा है? क्लियर है सभी को? तो एक एक करके नोट कर लीजिएगा, फुटपाथ के शहजादे मोहम्मद हसन का ड्रामा है। किसका ड्रामा है भाई? मोहम्मद हसन का। असीरे हिर्स किसका है? उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर यानी आगाश काश्मीरी का ये ड्रामा है। देख रहे हैं नैन ये किसका ड्रामा है? तो ये ड्रामा है हबीब तनवीर का। नाम नोट कर लीजिएगा, हबीब तनवीर का। अब अगर आप पहले जुमरे को देखेंगे तो हम वहशी हैं, हम वहशी हैं अफसानवी मजमुआ है, किसका है? कृष्ण चंद्र का। फायर एरिया क्या है? तो फायर एरिया नॉवेल है किसका? इलियास अहमद गदी का। जहाक क्या है? तो जहाक जो सिन के एतबार से ड्रामा है, किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। चलिए दूसरे जुमरे पे हम लोग आ जाते हैं, बाज आमद। तो याद रखेंगे बाज आमद जो है नज्म है, किसकी नज्म है? इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, तो ये अख्तरुल ईमान की नज्म है। अलाव जो है अफसाना है, किसका है? सुहेल अजीमा बादी का। रास्ता बंद है ये किसका है? तो ये जीलानी बानो का है, नोट कर लीजिएगा, ये जीलानी बानो का अफसाना है। क्लियर हो गया सभी को? अब हम लोग आ जाते हैं चौथे ऑप्शन में, शामते आमाल। तो शामते आमाल जो है किसका मजमून है, किसका इंशाइया है? तो ये अहमद जमाल पाशा का है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, रोशनी जो अफसाना है ये किसका है? मुंशी प्रेम चंद का है। जुनून लतीफा किसका है? तो जुनून लतीफा जो इंशाइया है ये मुश्ताक अहमद यूसुफी का है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रामा इंद्र सभा में शहजादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक हो जाती है? अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में है पुखराज परी, नीलम परी, सब्ज परी, लाल परी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी सब्ज परी। इंद्र सभा के बारे में याद रखेंगे, एक मंजूम ड्रामा है। सबसे पहली चीज ये बताएंगे, इंद्र सभा जो ड्रामा है इसके मुसन्निफ है अमानत लखनवी। ये ड्रामा जो है कब तख्लीक किया गया, कब लिखा गया?
साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखा गया है, ठीक है जी। इसी के साथ साथ में किसके अहद में लिखा गया है, ठीक, ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में पहली बार ये ड्रामा स्टेज पर कब पेश किया गया, कब खेला गया। इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं, कुल कितने कैरेक्टर्स हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे। बहुत अहम फैक्ट हैं ये सभी। चलिए, तो सबसे पहली चीज आप नोट कीजिएगा, ये ड्रामा जो है कब लिखा गया है, तो नोट कीजिएगा 1852 ईस्वी में। क्लियर है। किसकी फरमाइश पर, मिर्जा आबिद अली इबादत, मिर्जा आबिद अली इबादत, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं कि इस ये ड्रामा किसके आयत में लिखा गया है, तो वाजिद अली शाह। किसके आयत में लिखा गया भाई, वाजिद अली शाह। पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया है, तो नोट कर लीजिएगा 1854 ईस्वी में। इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं, तो याद रखेंगे 8 किरदार। अभी 8 किरदार कौन कौन से हैं आप नोट कर लीजिएगा। 8 किरदारों में 4 परियां शामिल हैं। 4 परियां हैं, कौन कौन सी परियां हैं, एक है आपकी सब्ज परी, ठीक है जी। सब्ज परी के साथ साथ में लाल परी, लाल परी के साथ साथ में आपकी है पुखराज परी, पुखराज परी के साथ साथ में है नीलम परी। तो ये 4 परियां हो गई। इसके बाद में राजा इंद्र एक कैरेक्टर है और शहजादा गुलफाम का एक किरदार है, शहजादा गुलफाम का। इसके अलावा 2 देव हैं, एक है लाल देव और दूसरा है काला देव। तो कुल मिला के ये 8 किरदार हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फसाने अजायब में जाने आलम तब्दीली रूह के तहत किस जानवर के जिस्म में हुलूल करता है, हिरन, बंदर, शेर, हाथी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बंदर। चलिए, फसाने अजायब के ताल्लुक से आप सबसे पहले चीज तो ये बताइएगा कि ये जो दास्तान है कब लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। 2 अहम फैक्ट हो गए इसके ताल्लुक से। साथ ही साथ में कहाँ लिखी गई थी और इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है। इस ड्रामे के जो मुसन्निफ है वो है रजब अली बेकसरू। तो रजब अली बेकसरू की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, बहुत अहम फैक्ट है। सभी के जवाब देने की आप कोशिश अपने आप से करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको एक एक करके सभी फैक्ट बता देता हूं। तो पहली चीज, फसाने अजायब जो दास्तान है ये लिखी गई है 1824 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर, हकीम असद अली खां, हकीम असद अली खां की फरमाइश। कहां लिखी गई है, कानपुर में, कानपुर में लिखी गई है, लेकिन इसमें लखनऊ की तहजीब माशरत को पेश किया गया, लखनऊ की मिट्टी तहजीब माशरत की इसमें अकासी तरह से की गई है। अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद में, पहली बार इसकी इशाअत कब अमल में आई है, तो 1843 ईस्वी में। रजब अली बेकसरू के ताल्लुक से नोट कर लीजिए, 1746 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में गालिब का भी इंतकाल हुआ है और इसी के साथ साथ में शयुफ्ता का भी इंतकाल हुआ है, ये नोट कर लीजिएगा। रजब अली बेकसरूर के खतूत के मजमू का नाम क्या है, तो वो है इनशाए सुरूर, नोट कर लीजिएगा इनशाए सुरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाग बहार का वह कौन सा किस्सा है जिसमें एक सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे थे। दूसरे दरवेश की सैर, चौथे दरवेश की सैर, पहले दरवेश की सैर, बादशाह आजाद बख्त की सरगुजश्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप सबको मालूम होगा कि बाग बहार किसकी दास्तान है, तो ये मीर अमल देहलवी की दास्तान है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को कलम जद कीजिए। पहला बयान है, इंतजार हुसैन ने नॉवल बस्ती पर आदम जी अदबी इनाम लेने से इनकार कर दिया था। दूसरा है, नॉवल बस्ती का इंतसाब अस्करी साहब के नाम है। तीसरा है, नॉवल बस्ती का मौजू जिलावतनी है। चौथा है, नॉवल बस्ती के बेशतर किरदार शिराज होटल से ताल्लुक रखते हैं
और पांचवा है नोवेल बस्सी के मरकजी किरदार जाकिर में इंतजार हुसैन का अक्स देखा जा सकता है, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा जो जुमरा है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका पहला जुमरा भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है और पांचवा, मतलब ये कि सभी जुमरे हमारे क्या हैं, दुरुस्त हैं। तो इंतजार हुसैन के बारे में ये भी आप बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। और यहाँ पे जिस नावल के बारे में बात हो रही है, नावल बस्ती, इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है, इसकी भी निशानदही आप कर दीजिए। इसी के साथ साथ में इस नावल के मरकजी किरदारों में किन का नाम आता है, तो पहली चीज इंतजार हुसैन की पैदाइश कब हुई आप नोट कीजिएगा, 1923 ईस्वी में बुलंदशहर में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। नावल बस्ती के इशाअत कब अमल में आई है, तो आप सब नोट कर लीजिएगा, 1980 ईस्वी में। इसके मरकजी किरदारों में अगर हम बात करें तो एक नाम आप याद रखेंगे जाकिर, जाकिर के साथ साथ में साबरा, साबरा के साथ साथ में अफजाल और अफजाल के साथ साथ में इमरान, ये इस नावल के मरकजी किरदार हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलम जद कीजिए। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, आपसे सही बयानात नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है गलत बयानात को कलम जद कीजिए। पहला है नावल तौबत-उन-नुसूर का नाम कुरान करीम से अख्ज किया गया है। दूसरा है नावल तौबत-उन-नुसूर का मरकजी ख्याल डेनियल डी फोके नावल द फैमिली इंस्ट्रक्टर से माखूज है। तीसरा है नावल तौबत-उन-नुसूर की कहानी का महवर तरबियत औलाद है। चौथा बयान है नावल तौबत-उन-नुसूर का मौजू लखनवी तहजीब और मुआशरत है। पांचवा बयान है नावल तौबत-उन-नुसूर में नुसूर ख्वाब में हश्र के मैदान में अपने बड़े बेटे को देखता है, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी चौथा जुमरा आपका और साथ ही साथ में पांचवा भी आपका गलत है। चौथे जुमरे में कहा जा रहा है कि नावल तौबत-उन-नुसूर का मौजू लखनवी की तहजीब, लखनवी तहजीब और मुआशरत है, जबकि नावल तौबत-उन-नुसूर का मौजू तरबियत औलाद है। पांचवें में कहा जा रहा है कि नावल तौबत-उन-नुसूर में नुसूर ख्वाब में हश्र के मैदान में अपने बड़े बेटे को देखता है, तो याद रखेंगे अपने बड़े बेटे को नहीं बल्कि अपने बाप को देखता है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए तौबत-उन-नुसूर के ताल्लुक से आप ये बताइएगा कि ये जो नावल है कब तख्लीक किया गया है, कब लिखा गया है, इसी के साथ साथ में इस नावल में कुल कितनी फसलें हैं। और ये नावल आप सबको मालूम होगा किसका है, डिप्टी नजीर अहमद का। तो डिप्टी नजीर अहमद की सने विलादत और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में आपका पहला नावल कौन सा है, ये आप ही का पहला नावल नहीं है बल्कि उर्दू का पहला नावल कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे। तौबत-उन-नुसूर कब लिखा गया है, तो 1874 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। ये नावल जो है 12 फसलों पर मुश्तमिल है। नजीर अहमद के बारे में नोट कीजिए, 1830 में आपकी बिजनौर में पैदाइश हुई है और 1917 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नावल कौन सा है, तो वो है मिरातुल उरूस, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ये नावल जो है कब लिखा आपने, तो 1869, बहुत अहम नावल है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला बयान है अजीम बेग चौगतई इस्मत के छोटे भाई थे। दूसरा है टेढ़ी लकीर इस्मत चौगतई का नफ्सियाती और सवानही नावल है। तीसरा है टेढ़ी लकीर का मरकजी किरदार सुमन नाम की लड़की है जो अपने वालदेन की पहली औलाद है। चौथा है टेढ़ी लकीर की हीरोइन मिस चरण है। और पांचवा है टेढ़ी लकीर की सुमन रॉफी टेलर के बच्चे की मां बनती है, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है यह आपका सही हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा हमारा करेक्ट है और साथ ही साथ में पांचवा भी जुमरा हमारा करेक्ट है। अब पहले जुमरे को हम लोग करेक्ट करते हैं, अजीम बख्श चौधरी इस्मत के छोटे भाई थे, नहीं इस्मत के बड़े भाई थे, आप नोट कर लीजिएगा। तीसरे जुमरे में देखिएगा
टेढ़ी लकीर का मरकजी किरदार सुमन नाम की लड़की है जो अपने वालदेन की पहली औलाद है। तो याद रखेंगे पहली औलाद नहीं बल्कि दसवीं औलाद है। आ जाइए चौथे, टेढ़ी लकीर की हीरोइन कौन सी है? तो टेढ़ी लकीर की हीरोइन जो है सुमन नामी लड़की है। अब हम नॉवल टेढ़ी लकीर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली चीज, ये नॉवल जो है इसमत चौधरी ने कब लिखा है ये आप मुझे बताइएगा। साथ ही साथ में इसमत चौधरी ने इस नॉवल को कितनी मंजिलों में तकसीम किया है, इसमत चौधरी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, इसमत चौधरी का पहला नॉवल कौन सा है और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। सभी फैक्ट ऐसे हैं जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चन बन जाया करते हैं। तो चलिए पहली चीज, टेढ़ी लकीर जो आपने लिखा है 1944 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। इसमें इस नॉवल को कितनी मंजिलों में तकसीम किया है तो नोट कर लीजिएगा, तीन मंजिलों में तकसीम किया है। इसमत की पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में बदायूं में और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है जिद्दी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है तो वो आपका है कलियां, इसे भी आप नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफसानवी मजमू के एतबार से तादाद मशमूलात शामिल कीजिए। देखिए अफसानी मजमू है रोशनी की रफ्तार, अलाव, रास्ता बंद है, तमाशा घर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा जुमरा है जो करेक्ट हो जाएगा। रोशनी की रफ्तार में कुल कितने अफसाने हैं तो 18 अफसाने हैं, अलाव में कितने हैं तो 16 हो जाएंगे, रास्ता बंद है तो 22 हो जाएंगे और तमाशा घर में हो जाएंगे 12। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर का है, अलाव सुहेल अजीम आबादी का है, रास्ता बंद है जीलानी बानो, तमाशा घर इकबाल मजीद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अफसाने मजमू के एतबार से पहली इशात के सन जोड़िए। वारदात है, ठंडा गोश्त है, हम वहशी हैं, अपने दुख मुझे दे दो और साथ ही साथ में चोटे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी वारदात की इशात कब अमल में आई है तो नोट कीजिएगा 1938 ईस्वी में, ठंडा गोश्त की इशात है 1950 ईस्वी में, हम वहशी हैं 1948 ईस्वी में, अपने दुख मुझे दे दो 1965 और चोटे 1942 ईस्वी। क्लियर हो गया सभी को? बहुत अहम फैक्ट है ये। वारदात किसका है तो वारदात नोट कर लीजिएगा, वारदात किसका है? मुंशी प्रेमचंद का, ठंडा गोश मंटू का, हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का, अपने दुख मुझे दे दो राजन सिंह बेदी का, चोटे इसमत चौधरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नॉवल उमराव जान अदा में मौलवी साहब किसके कहने पर नीम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं? खुर्शीद जान, बिस्मिल्ला खां, रामदुई, बुआ हुसैनी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बिस्मिल्ला खान। चलिए उमराव जान अदा नॉवल के बारे में बताइए, ये नॉवल जो है कब अमल में आया है, कब लिखा गया है, नोट कीजिएगा। इस नॉवल के मुसन्निफ है मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, इसकी भी आप निशानदेही करेंगे। तो यह नॉवल लिखा गया 1899 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। रुस्वा की पैदाइश हुई 1858 ईस्वी में लखनऊ में और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। जाते शरीफ, शरीफ ज्यादा, ये आपके और भी नॉवल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कदीम हिकायतों और जातक कथाओं से अपना मौजू मुसार लेने वाले अफसाना निगार कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने है कृष्णचंद्र, दूसरे में सुरेंद्र प्रकाश, तीसरे में इंतजार हुसैन और चौथे ऑप्शन में है सआदत हसन मंटो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानी इंतजार हुसैन। नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानी इंतजार हुसैन, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? बहुत, इंतजार हुसैन का कौन सा नावल है जो कि आपके निसाब में शामिल है? तो इंतजार हुसैन का कौन सा नावल है नोट कर लीजिएगा, इंतजार हुसैन का नावल है बस्ती। बस्ती किसका नावल है? इंतजार हुसैन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुर्रतुल हैदर ने अपने नावलों के उनवानात शोरा के कलाम से अख्ज किया है, उसे गौर से पढ़िए
और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी पहला पहला आपका सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत अहम फैक्ट आपसे पूछे गए हैं कि कुर्रतुल हैदर के जो नॉवल है वो क्या, कुछ ऐसे नॉवल दिए गए हैं जो शोरा के कलाम से अख्ज किए गए हैं। तो तीन तो यहाँ पे देखिए सही हो गए, सफीने गमे दिल, गर्दिशे रंगे चमन, आग का दरिया। आखिर शब के हम सफर जो नॉवल है ये किस शायर के शेर से माखूज है, तो नोट कर लीजिएगा फैज अहमद फैज। सही क्या है? फैज अहमद फैज, आप नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया सभी को? कुर्रतुल हैदर बहुत अहम नाम है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये चीज बिल्कुल आपकी जुबान पर होनी चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 में नोएडा में इंतकाल हुआ है। कदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। आपका पहला नावल कौन सा है? तो वो है मेरे भी सनम खाने। आपका पहला अफसानी मजमुआ है सितारों से आगे, नोट कर लीजिएगा सितारों से आगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंटू खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे, ये किसका ख्याल है? चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को आप रीड कर लीजिए फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। चलिए मंटू के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये चीज आप मुझे बतलाइए। इसी के साथ साथ में आपका इकलौता नॉवल क्या है, उसका उन्वान क्या है, क्लियर है? और इसी के साथ साथ में मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो चलिए नोट कीजिएगा 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका इकलौता नावल जो है वह है बगैर उनवान के, नोट कर लीजिएगा बगैर उनवान के, क्लियर है? पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो वो है आतिश पारे, नोट कर लीजिएगा पहला अफसानी मजमुआ है आतिश पारे। चलिए कृष्णचंद्र के बारे में आप बता दीजिए कि आपका पहला नॉवल कौन सा है और साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो आपका पहला नॉवल है, नोट कर लीजिएगा शिकस्त, पहला नॉवल कौन सा है? शिकस्त। और आपका पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल, नोट कर लीजिएगा तिलिस्मे ख्याल पहला अफसानवी मजमुआ है और शिकस्त जो है नॉवल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाँव में फूल किसका अफसानवी मजमुआ है? चार ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए फिर आप मुझे जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। चलिए यहाँ पे हम लोग ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवल कौन सा है, इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और आपका पहला अफसाना कौन सा है। चलिए तो नोट कीजिएगा आपकी पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में पानीपत में और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ। देखिए 1914 पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 पानीपत में मौलाना हाली का इंतकाल हुआ है। आपका पहला जो नॉवल है वो है इनकलाब, नोट कर लीजिएगा। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है एक लड़की और आपका पहला अफसाना है अबाबिल। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तनकीदी दबिस्तानों के एतबार से उनके नुमाइंदा नाकिदीन के नाम जोड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तासुराती तनकीद, मार्क्सी तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, हयाती तनकीद, उसलूबियाती तनकीद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी तासुराती तनकीद के लिए कौन जाने जाते हैं, इसके नुमाइंदा नाकिद कौन है, तो आपका हो जाएगा नियाज फतेह पूरी। मार्क्सी तनकीद के लिए सैयद एहतशाम हुसैन, ऐसे ही नफ्सियाती तनकीद के लिए शबीहुल हसन, हयाती तनकीद के लिए आपके हो जाएंगे शमशुर रहमान फारूकी,
उसलूबियाती तनकीद के लिए हो जाएंगे गोपी चंद नारंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में से दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। ज़ेल में से दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा आपका सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। याद रखिए तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं वो किसकी हैं, इसके मुसन्निफ कौन है, तो जवाब आपका हो जाएगा ज्ञानचंद जैन। नोट कर लीजिएगा पहली चीज तो ये ज्ञानचंद जैन। अब आप आ जाइएगा पहले जुमरे में, तो पहले जुमरे में भी आपको ध्यान से देखना होगा काजी अब्दुल वदूद बहैसियत मुरत्तिब मतन। बहैसियत मुरत्तिब मतन ये किसकी है, तो ये अब मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे ही हिंदुस्तानी लिसानियात, ठीक, किसकी किताब है, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, उर्दू के असालीब बयां के मुसन्निफ कौन है, परख और पहचान किसकी किताब है। ठीक है जी, परख और पहचान किसकी है, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। उर्दू का अपना उरूज किसकी है, ऐसे ही काशफुल हकायक के मुसन्निफ कौन है, जिक्र फिक्र के मुसन्निफ कौन है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो। चलिए तो सबसे पहले चीज नोट की, हिंदुस्तानी लिसानियात और उर्दू के असालीब बयां इसके मुसन्निफ हैं मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, और काशिफुल हकायक के मुसन्निफ कौन है, तो भी आपका जवाब हो जाएगा इमदाद इमाम असर। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, इमदाद इमाम असर। क्लियर होगा सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुहक्किकीन के नाम के एतबार से जाय पैदाइश शामिल कीजिए। मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज अली ओरशी, रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन, जमील जालबी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आसानी दे सकते हैं क्योंकि इन सभी के बारे में हम लोग कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी मौलवी अब्दुल हक की जाय पैदाइश तो हापुड़ मेरठ हो जाएगी, इम्तियाज अली खां उर्शी की क्या हो जाएगी, रामपुर हो जाएगी, और रशीद हसन खां की हो जाएगी शाहजहांपुर, ज्ञानचंद जैन की हो जाएगी बिजनौर, और जमील जालबी की हो जाएगी अलीगढ़। क्लियर हो गया सभी को। चलिए इन सभी के बारे में आप सने विलादत और सने वफात भी जल्दी से मेंशन कर दीजिए। चलिए सभी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, एक बार रिवाइज कर लीजिए सब लोग। तो एक एक करके नोट कीजिएगा। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई 1870 में हापुड़ मेरठ में, 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली खां उर्शी 1904 में रामपुर में पैदाइश हुई है और 1981 में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। ज्ञानचंद जैन 1923 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, 2007 में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। जमील जालबी 1929 में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई और 2019 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुसन्निफिन के अतबार से किताबों के नाम जोड़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये जो सभी तसनीफात है, काबूसनामा, चहार मकाला, हदायक उसेर फी दकायक शेर अलमुअज्जम फी मआइल अशायल अजम, ये ऐसी तसनीफात है जो बारह एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी अब्दुल कादिर जुर्जानी की किताब कौन सी है, तो वो हो जाएगी असरारुल बलागत और दलाइलुल एजाज, और रशीदुद्दीन वतवात की हो जाएगी हदायकुस सिर फी दकायक शेर, और ऐसे शमशुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राजी की हो जाएगी अल मुअज्जिम, उरूजी समरकंदी की हो जाएगी चहार मकाला, उनसुल मालिक की है काबूस नामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में लिखी हुई किताबों को उनके मुसन्निफीन से जोड़िए। नई तनकीद, अक्स और आईने, अदबी तनकीद, अफसाना और उसकी गायत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी नई तनकीद के मुसन्निफ है जमील जालवी, अक्स और आईने के सैयद एहतशाम हुसैन, अदबी तनकीद के मुसन्निफ है मोहम्मद हसन, अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ है मजनू गोरखपुरी।
तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले आपके उर्दू के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को, इस क्लास को आप सभी लोग खूब शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स जो इस तरह की रेगुलर क्लास अटेंड करना चाहते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सवालात को अपने जहन में बिल्कुल तरोताजा रखना चाहते हैं, चीजें बिल्कुल अपनी कंठस्थ करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो ये क्लास उन सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हूं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।